नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में इन दिनों परिवारवाद को लेकर खूब सियासत हो रही है। सियासी पारा इस बात को लेकर गर्म है कि सियासत में किसका परिवार ज़्यादा है। अब आरजेडी पोस्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार कर रही है। लालू यादव ने ये मंच से वक्तव्य दिया था कि मोदी का परिवार में कौन है, तो भारतीय जनता पार्टी मोदी का परिवार ट्विटर पर कैंपेन चला रही थी। अब जवाब में राष्ट्रीय जनता दल पोस्टरों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार कर रही है। इस पोस्टर में आपको हमें तस्वीर दिखा रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के राज्य कार्यालय के पास ये पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है, देश की जनता करे पुकार, भाजपा का परिवारवाद कब खत्म होगा, भारत छोड़ो एनडीए सरकार, हाय महंगाई तू कहां से आई, ऐसे स्लोगन भी दिए गए हैं। लिखा गया है इसमें कि अमित शाह के पुत्र जय शाह परिवारवाद का बताया गया है। इसमें ठाकुर प्रसाद के पुत्र रविशंकर प्रसाद, जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र नीतीश मिश्रा, अश्विनी चौबे के पुत्र अजीत शाश्वत, हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र अशोक यादव, सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर, शकुनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी, जो भी बिहार के डिप्टी सीएम हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, यशवंत सिन्हा के पुत्र जयंत सिन्हा, आरके सिन्हा के पुत्र ऋतुराज बहुगुना, पुत्र रीता बहुगुना, राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह, विजय राजे सिंधिया के पुत्र वसुंधरा राजे सिंधिया, प्रेम कुमार के पुत्र अनुराग ठाकुर, ब्रिजभूषण के पुत्र प्रतीक भूषण, प्रमोद महाजन के पुत्र पंकज मुंडे और पूनम महाजन, सुषमा स्वराज की पुत्री बांसुरी स्वराज। इस प्रकार से जो एक लंबी से लिस्ट है जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता है वो पोस्टरों के माध्यम से लगाए हैं। दूसरी ओर महंगाई के भी जिक्र कर रहे हैं। यूपीए सरकार में कीमत एक तरफ दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ अच्छे दिन की कीमत भी दिखा रहे हैं। यूपीए सरकार में गैस सिलेंडर 350 रुपये था, तो अच्छे दिन जो प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया था साल 2014 में जब वो चुनावी मैदान में उतरे थे, तब की अच्छे दिन हिंदुस्तान के आएंगे, तो अच्छे दिन में 1000 रुपये का गैस सिलेंडर है, ये जो पोस्टरों के माध्यम से आरजेडी बता रही है। पेट्रोल 65 रुपये यूपीए सरकार में थी और अच्छे दिन में 107 रुपये हो गई है। डीजल 55 रुपये यूपीए सरकार में थी जो अब 97 रुपये हो गई है। जीरा 250 रुपये थी तो अब 1200 रुपये हो गई है। सरसों तेल 75 से बढ़कर 250 रुपये अच्छे दिनों में आ गई है। इस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के जो पोस्टर के माध्यम से प्रहार कर रहे हैं उसमें कई तस्वीर भी लगाए गए हैं, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर बताया तस्वीर दिखाया गया है जो भाजपा के पूर्व विधायक हैं। बलात्कार, पोस्टको एक्ट और हत्या के प्रयास इस पोस्टर में दर्शाया गया है कि कुलदीप सिंह सेंगर पर है, वो भी मोदी का परिवार है। ब्रिजभूषण शरण सिंह, संदीप सिंह सैनी, ऐसे कई पोस्टर, चिन्मयानंद जैसे लोगों का पोस्टर लगाया गया है जिसमें बताया गया है कि ये सभी मोदी का परिवार हैं। तो ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएं कि अब आरजेडी पोस्टरों के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर परिवारवाद को लेकर प्रहार कर रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ फोर नेशन के साथ।